चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल आर, द कूलम फोर्स एफ बिटवीन द टू इज क्या होगा। देखो सबसे पहली बात, हाइड्रोजन एटम है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक प्रोटॉन होगा प्लस ही, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो जो कूलम फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, कूलम फोर्स का डायरेक्शन ये होगा और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये होती है, तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ये, कूलम फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और ये अट्रैक्शन का फोर्स है तो निगेटिव होना ही चाहिए। तो कूलम फोर्स एफ इजिकल टू क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्यू वन की वैल्यू हम मान लेते हैं प्लस ही प्रोटॉन, क्यू टू की वैल्यू हो जाएगी माइनस ही इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ आर, ठीक है, आर का यूनिट वेक्टर, तो एफ इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। अब यहां ध्यान देना एक चीज और है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है एक्चुअल वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप को लिख सकते हो वेक्टर आर बाई आर, तो ये आर क्यूब हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। तो इसको या तो इस फॉर्म में लिख सकते हो या यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो दो ऑप्शन है, या तो ये सही है या तो ये सही, कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है, निगेटिव वाला तो ये है और ये है, और निगेटिव वाले में इसमें नीचे आर है यूनिट वेक्टर के साथ, यहाँ पर इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी है। देखो अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा है तो यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, और अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है आर के फॉर्म में तो यहाँ क्यूब ठीक है। तो ये ऑप्शन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हमको लग रहा है, लेकिन ये ऑप्शन आपका या तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ये आंसर सही है, वेक्टर के फॉर्म में ये आंसर सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।